ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इफ पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ठीक, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए दो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, ठीक, यानी दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनका प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए इन केस अगर मान लीजिए कि ये दोनों इवेंट अगर डिपेंडेंट है यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू पी ए पी बी। ठीक, अगर ये दोनों ही इवेंट अगर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं होगा। देखिए, अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का क्या रोल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन में आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कॉइन वाला अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए या ताश की गड्डी वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए पी बी, ये सब कुछ आप अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक, बट क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में, आपको सीधे सीधे वैल्यू दे रखी पी ए पी बी। ठीक, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आपका ताश से रिलेटेड है या आपका कॉइन से रिलेटेड है या डाइस से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। ठीक, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हमको करते जाना है। ठीक, अगर ये दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर बहुत अच्छी बात है कि हमें प्रोबेबिलिटीज की भी कैलकुलेशन हमको नहीं करनी है, सीधे सीधे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है तो सीधे सीधे हम प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये क्या है, पी ए, ठीक, पी ए इज इक्वल टू हमारा क्या है 3/5 और ये पी बी हमारा क्या है 1/5। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/25। ठीक, तो हमें उस केस के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी हमको कैलकुलेट करना था जब ये दोनों इवेंट्स हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/25 आ जाएगी।